हेलो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड आर चैप्टर हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन्फेक्शियस डिज़ीज़ ओके नेक्स्ट चैप्टर है इन्फेक्शियस डिज़ीज़ इन्फेक्शियस डिज़ीज़ में हम बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस जो माइक्रो बैक्टीरियाज के थ्रू या फिर माइक्रोब्स के थ्रू इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कॉज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे जैसे न्यूमोनिया टी मलेरिया एच एंड हैपेटाइटिस दीज टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन ओके तो फर्स्ट इज़ ट्यूबर खिलोसिस जिसे हम बोलते हैं टी बी ओके तो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा ट्यूबर खिलासिस जिसे हम टी बी कहते हैं ओके तो टी बी हम नॉर्मली अगर बात करें तो टी बी हम जानते हैं कि मोर दैन थ्री वीक्स मोर देन थ्री वीक्स में वीक्स अगर कफ होता है किसी को तो हम उसे कह सकते हैं कि भाई टी बी की टेस्ट करवा लेनी चाहिए क्योंकि अगर कफ इतने लंबे टाइम तक है तो आपको चांसेस है कि टीबी है ओके और इसके साथ में क्या होता है वेट लॉस फैटेग एंड ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग ओके ये सिम्टम्स अगर हमें शो होते हैं तो हम उसे टीबी कह सकते हैं ओके तो टीबी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है और ये टीबी क्यों होता है ये हम देखते हैं टीबी इज कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरियम माइक्रो बैक्टीरियल ट्यूबर दिस बैक्टीरिया दिस माइकोबैक्टीरिया बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टीबी तो टीबी क्या हुई टीबी इज ए इन्फेक्शियस डिजीज माइकोबैक्टीरियल बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज विच इज Highly affect our lungs. Mainly हमारे lungs को affect करती है और इसीलिए respiratory system से related disease है क्योंकि सबसे ज़्यादा affect क्या होते हैं lungs और इसीलिए symptoms भी कैसे हैं coughing, difficulty in breathing ये ब्रीदिंग से रिलेटेड रेस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स हैं ओके तो TB की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो टी बी यानी ट्यूबेकलॉसिस इज अ इन्फेक्शियस डिजीज़ माइक्रो बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज़ विच इज़ हाईली अफेक्ट आर लंग्स एंड दिस इन्फेक्शन कम्स थ्रू द इन्फेक्टेड पर्सन जो ऑलरेडी टी बी से इन्फेक्टेड है बाय कफिंग एंड स्नीजिंग यानी अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन हमारे आसपास कफ कर रहा है या फिर वो स्नीज छींक रहा है तो उसकी वजह से जो ड्रॉपलेट्स हमारे एयरवेज़ में चले जाते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम में चले जाते हैं क्योंकि हम जब ब्रीद इन करते हैं और वो ड्रॉपलेट्स जो एनवायरमेंट में स्प्रेड आउट हो चुके हैं और वो ड्रॉपलेट्स हमारे बॉडी में इन हो जाते हैं तो वो माइक्रोबैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला जाता है और हमें भी टीबी हो जाता है ओके okay? तो इसका जो फैक्टर है जिससे ये हो सकते हैं वो रीज़न क्या होगा किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कफिंग या स्नीजिंग से या फिर उसके इन्फेक्शन से ही हमें टी हो सकता है ओके टीबी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो टीबी क्या हो गई एक माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्श डिजीज हो गई ओके okay? और ये इसके सिम्टम्स हैं अब हम टीबी के टाइप्स देखते हैं टीबी टू टाइप्स की होती एक को हम बोलते हैं इनएक्टिव टीबी। क्या बोलते हैं इनएक्टिव टीबी और इसे हम बोलेंगे एक्टिव टी ये क्या होता है फर्स्ट स्टेज होती है इसमें जो बैक्टीरिया है जो मैंने आपको बताया माइको बैक्टीरियल ट्यूबर ट्यूबरकुलोसिस माइको बैक्टीरियम ट्यूबर ये जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है हमारी बॉडी में ये इन तो हो गया है किसी इन्फेक्टेड पर्सन की स्नीजिंग या कफिंग से ये हमारी बॉडी में इन तो हो गया है लेकिन इसके सिम्टम्स अभी तक शो नहीं हो रहे हैं बॉडी में बॉडी इसके लिए कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिखा रही है जिससे हम ये पता लगा सकें कि ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो चुका है मीन्स जो कफिंग बताया मैंने आपको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग वेट लॉस और ये ऐसे सिम्टम्स अभी शो नहीं हो रहे हैं वो अभी इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में है ओके okay? उसे हम बोलते हैं इनएक्टिव टीबी। लेकिन इनएक्टिव टी एक्टिव टी में चेंज हो सकता है इसीलिए इसका भी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है क्योंकि तो ये एक तरह से फर्स्ट स्टेज है अगर इसमें ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये एक्टिव टी में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ प्रॉब्लम्स हमारी इंक्रीज हो जाएगी इसीलिए इनएक्टिव टी की भी हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की डायग्नोस करके बैक्टीरिया को डायग्नोस करके हम इनएक्टिव टीबी का भी पता लगा सकते हैं ओके तो एक्टिव टीबी में क्या होता है इसमें जो बैक्टीरिया है मैंने आपको बताया माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर ये एक्टिव फॉर्म में होता है और क्या करता है सिम्टम्स शो करता है जैसे सिम्टम्स मैंने आपको बताया कफिंग मोर देन थ्री वीक डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग फैटिंग वेट लॉस ये मैंने आपको भी बताया सिम्टम्स ये सिम्टम्स क्या करते हैं शो करते हैं एक्टिव फॉर्म में बैक्टीरियाज तो ये दो टाइप के टीबी होगा इनएक्टिव एंड एक्टिव टीबी एंड इनएक्टिव टीबी कैन कन्वर्ट इन एक्टिव टीबी सो वी हैव टू ट्रीट दिस टीबी इन फर्स्ट स्टेज ओके ये थे टीबी के टाइप्स आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस नाउ कॉजेस इटियोलॉजी कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है ईटियोलॉजी में देखो फर्स्ट इज़ मैंने आपको बताया इन्फेक्ट पर्सन इन्फेक्ट पर्सन रीज़न होगा कि इन्होंने अगर स्नीजिंग या कफिंग हमारे आसपास की है तो क्या होगा इनके इन्फेक्ट ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्टेड जो माइक्रोबैक्टीरिया है ये क्या होंगे हमारी बॉडी में इन हो जाएंगे थ्रू ब्रीदिंग ओके okay? जब हम एनवायरनमेंट में ब्रीदिंग करेंगे ऐसे एनवायरनमेंट में जहां इन्फेक्टेड पर्सन ने स्नीज या कफ़ किया है तो उनके ड्रॉपलेट्स एनवायरनमेंट में स्प्रेड आउट हो जाएंगे और जब हम इन करेंगे इन करेंगे तो वो ड्रॉपलेट्स हमारे बॉडी में इन हो जाएंगे और उसकी वजह से हमें ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है ओके एंड सेकेंड रीज़न इज़ एच आई वी एच आई वी कैसे रिलेटेड है टीवी से एच क्या करता है इम्यून सिस्टम को कर देता है वीक तो कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में क्या कर सकता है डिजीज़ कॉज कर सकता है हमारा इम्यून सिस्टम उससे फाइट नहीं कर पाएगा तो इम्यून सिस्टम को कौन वीक कर देगा एच ओके थर्ड रीज़न इज़ डिज़ीज़ लाइक डायबिटीज़ किडनी फेलियर कैंसर और अदर डिजीज़ ये डिज़ीज़ में भी क्या हो जाएगा इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाएगा और इन इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से ईज़ीली कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में इन कर सकता है और हमें ट्यूबर क्लॉसिस हो सकता है ओके एंड नेक्स्ट इज़ ड्रग रेजिस्टेंस ड्रग रेजिस्टेंस मीन्स अगर कोई ड्रग या एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए एबल नहीं है ओके okay? ये बैक्टीरिया को किल नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा उसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन ईजिली स्प्रेड हो सकता है और हमारी बॉडी में ईजिली ट्यूबर किलॉसेज हो सकता है तो एंटीबायोटिक्स हमने यूज़ किए बट उनके लिए भी रेजिस्ट है हमारे अंदर का जो माइक्रो बैक्टीरियल ट्यूबर क्लॉसिस है तो भी हमें टी हो सकता है मीन्स ड्रग से भी रेजिस्टेंस हो सकती है इसी हमें वो ड्रग्स यूज़ करनी है जो उस बैक्टीरिया को रेजिस्ट ना कर पाए ओके तो एंटीबायोटिक्स से भी हमें कई बार कोई फ़ायदा नहीं होता है ओके इसके अलावा वीक इम्यून सिस्टम एल्कोहल स्मोकिंग दीज आर एवर ग्रीन रीज़न ऑफ एनी डिजीज एंड मैल न्यूट्रीशन मीन्स न्यूट्रीशन अगर हमें बॉडी को जितना एडिक्वेट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है तो उससे भी हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है वीक हो जाता है और कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में ईजीली हो सकता है तो ये रीज़न्स होगा इन्फेक्टेड पर्सन हमारे आस पास अगर कोई टीबी इनसे इन इन्फेक्टेड पर्सन है और उसके स्नीजिंग और कफिंग से हमारे अंदर भी वो ड्रॉपलेट्स ब्रीदिंग के थ्रू जा सकती है और उससे भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है ओके एच इम्यून सिस्टम वीक कर देता है डिजीजेज़ लाइक डायबिटीज़ किडनी फेलियर कैंसर ड्रग रेजिस्टेंस मीन्स एंटीबायोटिक्स भी फेल हो गई है उनके लिए भी रेजिस्ट कर रहा है अगर माइक्रो बैक्टीरियल ट्यूबर तो भी टी बी सर्वाइव कर सकता है एंड बैक्टीरिया किल नहीं हो रहा है इम्यून सिस्टम वीक होने पर एल्कोहल स्मोकिंग मेल न्यूट्रिशन एंड अदर ऐसे रीजन्स जो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं ओके तो दीज आर द रीजन्स फॉर ट्यूबर आफ्टर द एटियोलॉजी नाव क्लिनिकल मैनीफेस्टेशंस मीनस कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो ट्यूबर के लॉसिस में होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं क्लिनिकल मैनीफेस्टेशन्स इसमें हैं मैंने आपको बताया कफिंग मोर देन थ्री वीक्स ओके एंड फैटिक मैंने आपको बताया वेट लॉस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू जॉइंट पेन वीकनेस होती है तो जॉइंट पेन भी होता है फीवर एंड चिल्स फीवर आता है और बहुत ज़्यादा सर्दी भी लगती है एंड वीकनेस लॉस ऑफ एपेटाइट भूख नहीं लगती स्वेटिंग इन नाइट नाइट में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है ओके एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ये भी मैंने आपको बता दिया है चेस्ट पेन तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या सिम्टम्स है ट्यूबरकुलोसिस के लिए मोर देन थ्री वीक्स तक कफ सही नहीं होता अगर खांसी होती है तो वो तीन वीक मीन्स वन मंथ ऑलमोस्ट वन मंथ से ज़्यादा की अगर खांसी होती है तो उसे हम ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस कह सकते हैं फैटिक, वेट लॉस जॉइंट पेन होता है फीवर एंड चिल्स बोथ वीकनेस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग लॉस ऑफ एपेटाइट स्वेटिंग इन नाइट एंड चेस्ट पेन ओके दीज आर द सिमटम्स और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फॉर ट्यूबर किलासिस क्लिनिकल मैनीफेस्टेशन के बाद क्योंकि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है एज आई सेड ट्यूबर किस इज अ इन्फेक्शियज माइक्रो डिजीज़ सो इन्फेक्शस डिजीज़ में प्रिवेंशनस भी ऐड करनी होती है मीन इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट होना है उस इन्फेक्शन से हमें बचना है क्योंकि इन्फेक्शन हमें एनवायरमेंट से मिल रहा है तो हमें एनवायरमेंट से कोई भी डिजीज़ नहीं लेनी है उसके लिए हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम गार्ड कर सकते हैं ताकि वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में ना आए तो ट्यूबर के लिए हम कौन कौन से प्रिवेंशंस कर सकते हैं वो देखते हैं प्रिवेंशंस लाइक दिस इज इन्फेक्शस डिजीज एंड कम्स थ्रू द ब्रीदिंग इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स को हम ब्रीद इन कर लेते हैं हमारी बॉडी में तो उससे क्या हो जाता है हमें भी ट्यूबर होने के चांसेस होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं हमारे फेस एंड नोज़ को कवर कर सकते हैं ओके किससे कवर कर सकते हैं विथ मास्क तो मास्क लगा के हम हमारे फेस को कवर कर सकते हैं जिससे जो एनवामेंट में इन्फेक्श बैक्टीरिया है ड्रॉपलेट्स के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर ना हो ओके तो ये कर सकते हैं एंड वेंटिलेशन प्रपर ताकि एनवायरमेंट से जो बैक्टीरियल इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स है वो बाहर हो जाए ओके okay? हमारी बॉडी ऐसी जगह पर हो जहाँ वेंटिलेशन हो प्रॉपर ओके एंड एनवायरमेंट को क्लीन करके आस पास में हमें क्लिनिंग करनी है ताकि वो बैक्टीरियल्स क्या हो किल हो जाए एनवायरमेंट में ही और किसी की बॉडी में इन ना कर पाए नेक्स्ट इज़ अवॉइड क्राउडी एरिया क्राउड को या बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इन्वायरमेंट को हमको क्या करना है अवॉइड करना है ताकि वहाँ पे अगर किसी को इन्फेक्शन है किसी के अंदर ओनली ट्यूबेकलॉसिस ही नहीं कोई भी ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो किसी और की बॉडी से हमारी बॉडी में आ सकता है तो वहाँ हम ना जाए कम से कम वहाँ जाए ताकि हमें वो इन्फेक्शन ना होके okay? और ऐसे पेशेंट जो टी है जिनको क्या करना है इनसे डिस्टेंस बनाना है मेक डिस्टेंस ओके तो ये प्रिवेंशन हम कर सकते हैं ट्यूबर क्लॉसिस में मेंशन कर सकते हैं कि कवर करना है फेस एंड नोज को और वेंटिलेशन क्लीन एनवायरनमेंट अवॉइड क्राउडी एरिया और टीबी इन्फेक्टेड पर्सन से डिस्टेंस बनाना है ओके तो दीज आर द प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबर आफ्टर प्रिवेंशन नाउ डायग्नोसिस अब डायग्नोस कैसे करेंगे कि टी है या नहीं इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जैसे ब्रीथ टेस्ट स्किन टेस्ट स्किन टेस्ट में हमारी फोर आर्म मीन्स फोर आर्म पे हमारा इंजेक्शन लगाया जाता है और उसके बाद में ये टेस्ट किया जाता है कि टीबी बी इन्फेक्टेड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में है या नहीं और उसमें क्या होता है हम अगर वो है तो स्वेल हो जाता है ऐसे बम्प सा निकल जाता है फोर आर्म पे जिससे ये पता लगाया जाता है कि इसको टी है ओके स्किन टेस्ट स्पूटम टेस्ट इसमें स्पूटम टेस्ट होता है और उससे पता लगाते हैं कि बैक्टीरिया टी से जो टीबी बी कॉज करता है वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में है या नहीं यानी माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबोकुलॉसिस स्पूटम टेस्ट से ये पता लगाते हैं स्पूटम टेस्ट ब्लड टेस्ट सीटी स्कैन एक्सरे ये इमेजिंग से पता लगाते हैं हमारी लंग्स की सिचुएशन कि इन्हें टी है या नहीं एंड एक नोड टेस्ट इससे भी टीबी का पता लगाया जाता है तो ये टेस्ट है डायग्नोसिस हैं टीबी के लिए ब्रीथ टेस्ट स्किन टेस्ट स्पूटम टेस्ट ब्लड टेस्ट सी स्कैन एक्सरे और नोड टेस्ट इन टेस्ट से ट्यूबेलॉसिस का पता लगाते हैं कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकलॉसिस की प्रेजेंस बॉडी में है या नहीं एंड किस फॉर्म में एक्टिव फॉर्म में है या इनएक्टिव फॉर्म में ओके आफ्टर द प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबेकलॉसिस नाउ पैथोफिजियोलॉजी मीन्स ट्यूबेकलॉसिस हमारी बॉडी में होता कैसे ओके okay? पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबेकलॉसिस हमारी बॉडी में कैसे इन करता है और कैसे वो डिजीज़ कॉज करता है ओके okay? तो फर्स्ट इज़ एज आई सेड स्नीज़ और कफ़ के थ्रू हमारी बॉडी में इन्फेक्टेड बैक्टीरिया इन करता है एनवायरमेंट में अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने स्नीजिंग या कफिंग की है तो उसके थ्रू हमारी बॉडी में बैक्टीरिया इन होता है ओके तो यहाँ स्नीजिंग एंड कफ़ के थ्रू माइक्रो बैक्टीरियम जो इन ड्रॉपलेट्स के अंदर है वो हमारी बॉडी में इन कर रहे हैं और ये हमारी बॉडी में ब्रीदिंग के थ्रू इन करते हैं तो ये कहाँ पहुँचेंगे पल्मोनरी एल्वलाइज़ में जो कि लास्ट है, लंग्स में मैंने आपको लंग्स में जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था तब बताया था कि इस तरह से लंग्स के अंदर ब्रोंकाइज ब्रोंक्यूल्स एंड फाइनल इज़ एलवेलाइज इस तरह से है ना ऐसे ऐसे मैंने आपको डायग्राम बताया था तो जो फाइनल स्टेज फाइनल प्लेस एलवेलाइज है एल्वेलाइज के अंदर वो माइक्रोबैक्टीरियल ब्रीदिंग के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा और पल्मोनरी एल्वेलाइज में पहुंचने के बाद में क्या होगा रेप्लीकेशन होगा उस बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन होगा वो और क्वांटिटी इंक्रीज करेगा और रेप्लिकेशन होने के बाद डेंड्राइटिक सेल्स ये मैंने आपको इम्यून सिस्टम की सेल्स बताई थी आपको डेंड्राइटिक सेल्स ये क्या करेगी इस रेप्लिकेटेड माइक्रो बैक्टीरिया को पिक करके इसको ट्रांसपोर्ट करेगी डेंड्राइटिक सेल्स के थ्रू ये बैक्टीरिया कहाँ आ जाएगा लोकल लिम्फ नोड्स के अंदर ओके okay? मैंने इम्यून सिस्टम में आपको बताया था कि डेंड्राइटिक सेल्स जो इम्यून सिस्टम की सेल्स है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड अगर डिजीज़ होती है तो वहाँ डेंड्राइटिक सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है तो रेप्लिकेशन के बाद जब बैक्टीरिया डेंड्राइटिक सेल्स इसको पिक कर लेगी और इसको ट्रांसपोर्ट करेगी लोकल लिम्फ नोड्स में एंड लोकल लिम्फ नोड्स में पहुँचने के बाद में ये कहाँ आ जाएगा ब्लड में स्प्रेड होगा और ब्लड में ये किडनी ब्रेन बोन ऐसे करके सब ऑर्गन्स में इन्फेक्शन कॉज करेगा मेनली कहाँ हुआ लंग्स में तो ट्यूबरकुलोसिस मेनली इन्फेक्ट किसको करता है लंग्स को उसके बाद में अगर इम्यून सिस्टम तक ये पहुँच जाता है तो उसके बाद में ये पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है ओके तो डेंडाइटिक्स एज लोकल लिम्फ नोड्स तक लेके आती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को और फिर वो ब्लड में स्प्रेड होता है और ऐसे करके वो पूरे ऑर्गन्स में किडनी ब्रेन बोन ऐसे पूरे ऑर्गन्स में स्प्रेड होने लगता है और फिर पूरी बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो जाता है तो ये है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन की यानी ट्यूबरकुलोसिस की पैथोफिजियोलॉजी ओके okay? आफ्टर द पैथोफिजियिलॉजी नाव ट्रीटमेंट अब ट्रीटमेंट में क्या है टी बी में ट्रीटमेंट के लिए दो टाइप्स की ड्रग्स यूज होती हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स मीन्स आइसोनेजाइड इथेमब्यूटोल रिफेम्पिन पायराजनामाइड दीज ड्रग्स आर यूज वैंड टी बी इन फर्स्ट स्टेज ओके मीन्स फर्स्ट स्टेज में टी बी के फर्स्ट लाइन ड्रग्स यूज होती है मीन्स सीवियर कंडीशन नहीं है ओके तो उसमें ड्रग्स के एग्ज़ाम्पल है आइसोनियाजाइड इथेम्ब्यूटोल रिफाम्पिन एंड पायराजीनामाइड दीज आर फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर ट्यूबरकुलोसिस नाउ द सेकेंड लाइन ड्रग्स सेकेंड लाइन ड्रग्स में वो ड्रग्स यूज होती है जो सीरियस कंडीशन आफ्टर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट होता है अगर सीरियस कंडीशन हो जाती है ट्यूबरकुलोसिस की उसमें है फ्लोरिक्विनोलॉन्स जिसमें एग्जाम्पल है ओफ्लॉक्सासिन सिप्रोफ्लॉक्सासिन और औरल ड्रग्स जिसमें इथियोनामाइड एग्जाम्पल है इंजेक्शंस मीन्स अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा है और इमीडिएटली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हमें खत्म करना है तो हम इंजेक्शंस यूज करते हैं केना माइसेंस के ओके तो केनामाइसेंस इंजेक्शंस के थ्रू दी जाती है इथियोनामाइड औरल ड्रग्स है जो टैबलेट्स के थ्रू दी जा सकती है फ्लोरोक्विनोलॉन्स ओफ्लॉक्सासिनस ये एग्जाम्पल्स है फ्लोरोक्विनोलॉन्स के ये सेकेंड लाइन ड्रग्स है टी बी के ओके फर्स्ट लाइन ड्रग्स आइसोनियाजाइड रिफेम्पिन इथम्बिटोल एंड पायराजनामाइड दीज आर द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकलॉसिस मीन्स फार्माकोलॉजिकल जिसमें हम क्या करते हैं ड्रग्स का यूज करते हैं ओके एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल जिसमें हम नॉर्मली हमारी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करके डिजीज़ को क्योर करते हैं जिसमें मैंने आपको प्रिवेंशंस बताई है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें न्यूट्रिशंस सप्लीमेंट्स यूज़ करने हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रोंग हो कि किसी भी इन्फेक्श डिज़ीज से लड़ सके ओके तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए या फिर किसी भी इन्फेक्शन के लिए हमें क्या करना होता है इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करना होता है ओके ये है फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल में हम डाइट को मेंशन करते हैं न्यूट्रिशंस को मेंशन करते हैं और प्रिवेंशंस जो मैंने आपको बताई थी ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए वो मेंशन करते हैं हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ओके तो इन शॉर्ट ट्यूबरकुलोसिस इज ए हाईली कॉन्टेजियस डिजीज विच कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ आर बॉडी मेनली लंग्स ओके एंड इट बेस्ड ऑन विच पार्ट ऑफ बॉडी बैक्टीरिया हैव इन्फेक्टेड ओके मीन्स कौन से पार्ट में बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन ज़्यादा किया है उस पर डिपेंड करता है कि वो इन्फेक्शन वहाँ पे ज़्यादा स्प्रेड होगा तो लेकिन हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को ट्यूबर अफेक्ट कर सकता है तो ट्यूबर मेनली लंग्स को इफ़ेक्ट करता है इसीलिए इसको रेस्पायरेटरी सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है बट वैसे बॉडी के किसी भी पार्ट में जैसे मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी में बताया था कि जब ब्लड में स्प्रेड होने के बाद में वो पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट होता है तो पूरी बॉडी में कहीं भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है ओके okay? तो ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट यहाँ कंप्लीट होता है एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड आर ट्यूबरकुलोसिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यूमोनिया ओके थैंक यू